मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसॉर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले, उसके बाद रिसॉर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सबने बारी बारी से गोता लगाया मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी, मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि ज़मीन 20 या 25 फीट दूरी थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके साथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वह मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था, कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं रही थी। मैं डर के मारे काम गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पुल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस भी रहा था। मेरे दोस्तों मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं सामान्य हो गया। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं मैं जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई कि मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी, हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने के लिए बाहर चले गए थे। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था, ज़रूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे, पर मुझको यकीन हो गया कि जो मैंने देखा था वो मेरा वहम नहीं था, वो हकीकत थी। धन्यवाद।